वेलकम टू इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज। हम कर रहे हैं मनी का चैप्टर और जो हम टॉपिक इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है फंक्शंस ऑफ मनी। देखो मनी क्या है और मनी कैसे धीरे धीरे इकोनॉमी में आया ये हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले प्लीज उन वीडियोस को देखिए एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हर चीज स्टेप वाइज है। अच्छा है अगर पिछली चीज आती हो तो ही अगली करने का मजा है, समझ में भी आसानी से आती है। ओके, मनी के दो फंक्शंस हैं, प्राइमरी यानी बेसिक फंक्शंस और सेकेंडरी यानी नेक्स्ट लेवल फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस में दो फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। आपको याद होगा कि मैंने डिस्कस किया था कि मनी क्या है। मनी इज कॉमनली एक्सेप्टेड, जो हर कोई एक्सेप्ट करे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कोई भी चीज ट्रांसफर करने की, खरीदने बेचने का जो एक्सचेंज का मीडियम है, मतलब जिसकी वजह से वो एक्सचेंज हो सकता है, उसे हम मनी कहते हैं। तो जो पहला फंक्शन है मनी का वो यही है, मनी हैज टू हैव इट्स हैज टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब मनी की वजह से आप चीजें खरीद सकते हो, एक हाथ पैसा दो दूसरे हाथ चीज लो, पैसे की परचेजिंग पावर की वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए मनी जो है इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसकी वजह से सेल एंड परचेज ऑफ चीजें हो सकती हैं। इसीलिए इसको ये भी कहते हैं बेरर ऑफ ऑप्शंस। मनी इज बेरर ऑफ ऑप्शंस, कहने का क्या मतलब है, अगर आपके पास पैसा हो तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं। ओके, आर वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी जो है इसका एक वैल्यू है, मतलब जब हम 100 रुपए का नोट देखते हैं या 10 रुपए का नोट देखते हैं, देयर इज अ क्लियर वैल्यू जो कमोडिटीज के टर्म में एक्सप्रेस होती है। अब इसको मैं समझाती हूँ आराम से। देखो फॉर एग्जाम्पल यू लिविंग इन गुड़गांव और 100 रुपए का परचेजिंग पावर इन गुड़गांव इज टू कमोडिटीज। लेट्स अज्यूम कि गुड़गांव में 100 रुपए खर्च करके आप दो चीजें खरीद सकते हो। ओके, कोई भी दो कह लो, फिलहाल अज्यूम कर लो, बहुत महंगी चीजों पर ध्यान ना जाए, बेसिक कमोडिटीज आप दो खरीद सकते हैं। लेकिन लेट्स से इन अ रिमोट एरिया समवेयर इन बिहार आप 100 रुपए की हो सकता है चार चीजें खरीद सके। तो यानी यूनिट ऑफ वैल्यू 100 रुपए का परचेजिंग पावर इन गुड़गांव इज 2 एंड इन बिहार सम रिमोट विलेज ऑफ बिहार इज 4, राइट? तो यानी आप पैसे को कमोडिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो और जब आप कमोडिटी के टर्म्स में उसे एक्सप्रेस कर सकते हो तो एक्सचेंज प्रोसेस आसान हो जाता है, राइट? अब जैसे मान लो मैंने एक बैडमिंटन रैकेट, अब इनफैक्ट ये सारी वेबसाइट चली हुई है OLX वगैरह, वो लोग इसी बेसिस पे काम करते हैं। मैंने एक ओल्ड रैकेट बेचना है और किसी ने एक पुराना नाइस मिरर बेचना है, तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा रैकेट था 5000 का, अब उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई है तो मैं इसको 3500 का बेचूंगी, और अगले ने कहा कि मेरा शीशा था 7000 का, अब मैं इसको 5000 का बेचूंगा। सो इट्स वेरी क्लियर, मैंने अपनी कमोडिटी को मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, उन्होंने भी अपनी कमोडिटी को मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। अब मेरे लिए और उनके लिए ट्रांजैक्शन करना, मतलब खरीदना बेचना करना बहुत आसान है। क्या है, अगर मैं उसकी चीज खरीदूंगी तो मुझे सिर्फ 1500 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, बात खत्म, राइट? तो मनी जो है ना, इट इज ऑल्सो, उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि उसका यूनिट ऑफ उसका वैल्यू है और उस वैल्यू की वजह से ही हम चीजें खरीद पाते हैं, उनका आंकलन कर पाते हैं, उनकी वैल्यूएशन कर पाते हैं और इसीलिए हम एक्सचेंज प्रोसेस आसानी से कर पाते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? गुड, अब आगे चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन का। पहला फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी मनी को आप स्टोर कर सकते हैं। देखो मनी ड्यूरेबल है, खराब नहीं होता, वैल्यू जनरली डिटोरिएट नहीं होती और इसीलिए मनी को स्टोर सेव किया जा सकता है। ऑब्वियसली हम सारे लोग सेविंग करते हैं, पैसे को बैंक में देकर आते हैं क्योंकि हमको पता है कि बाद में भी पैसा निकालेंगे तो एज इट इज ही मिलेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा या उसे कोई चूहा नहीं खा जाएगा, इट विल बी स्टिल द सेम। और उसकी परचेजिंग पावर, हाँ कई बच्चे ये कहते हैं कि मैम मनी की भी तो परचेजिंग पावर ऊपर नीचे होती है जी, बिल्कुल होती है। परचेजिंग पावर महंगाई बढ़ने से कम हो जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं है ना कि जो अगर आपके अकाउंट में आज 2000 रुपए हैं तो आपने 2000 निकाले 3 साल बाद, तो मान लिया कि 2000 की वैल्यू थोड़ी कम होगी, अब 1800 की चीजें मिल पाती हैं उस पैसे में, लेकिन ये तो नहीं होगा ना कि 2000 के नोट की वैल्यू जीरो हो गई, बिल्कुल ही खत्म हो गया, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह
कह रही हूँ कि पैसे को हम स्टोर कर सकते हैं, और जब हम पैसे को स्टोर कर सकते हैं हम उसको फ्यूचर पर्पसेस, फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए भी यूज कर सकते हैं. ओके, अगला है डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड पेमेंट मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था. डेफर्ड शब्द का मतलब है फ्यूचर पेमेंट. अब क्योंकि पैसे को बचाया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और क्योंकि उसकी वैल्यू कम नहीं होती, डिटोरिएट नहीं होती, इसीलिए सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में, मतलब उधार के सारे कामों में, बोरोइंग एंड लेंडिंग में, मतलब उधार लेना उधार देना, ठीक है, इन सब में पैसे का यूज किया जाता है. अब अगर किसी तरीके से उसका परचेजिंग पावर भी कम ना हुआ हो, मतलब 2000 रुपए की वैल्यू आज भी उतनी ही है और 3 साल बाद भी उतनी ही है, अगर ऐसा ही रहा हो तब तो और भी बढ़िया है, तब तो पैसा आसानी से डेफर्ड या फ्यूचर पेमेंट्स का टेक केयर करता है. ओके, आगे क्लियर. मैं क्विकली रिपीट कर रही हूँ, मनी के 4 फंक्शंस हैं, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी. प्राइमरी फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कहने का मतलब है आप पैसे को यूज करके चीजें खरीद बेच सकते हैं, इसीलिए इसको बेयरर ऑफ ऑप्शंस भी कहा जाता है. देन यूनिट ऑफ वैल्यू, पैसे को की वैल्यू है. पैसे का हर एक नोट या हर एक यूनिट किसी ना किसी कमोडिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. कहने का मतलब है 100 रुपए के नोट से हम यहाँ पे इतनी चीजें खरीद सकते हैं, 100 रुपए के नोट से हम वाई प्लेस पे इतनी चीजें खरीद सकते हैं. ये कर पाते हैं, इसीलिए अकाउंट्स भी मेंटेन हो पाते हैं, इसीलिए ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो पाती है. थर्ड, स्टोर ऑफ वैल्यू. पैसे को स्टोर किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, जनरली इसकी वैल्यू डिटोरिएट नहीं होती, और इसी वजह से इमरजेंसीज, क्रेडिट फैसिलिटीज, ये सारा काम हो पाता है. फोर्थ, डेफर्ड पेमेंट्स. डेफर्ड मतलब फ्यूचर पेमेंट्स, क्योंकि पैसा सेव किया जा सकता है, वैल्यू खत्म नहीं होती, इसीलिए उधार का काम, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार लेना उधार देना, बोरोइंग एंड लेंडिंग, फ्यूचर पेमेंट्स, ये सब पॉसिबल हो पाता है. आई होप यू आर क्लियर विद ऑल द फंक्शंस ऑफ मनी. अगली वीडियो में हम इसका अगला टॉपिक टेकअप करेंगे. ओके, थैंक यू.